अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.6 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम रिमेनिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, 6 टू 10 हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमें किस टाइप की लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 के अंदर फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल व्हेन ए बी सी, तीनों एंगल्स गिवन है और हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। ओके, सो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वी हैव ए बी एंड सी। सो ए इक्वल्स टू क्या है? ए इक्वल्स टू है 37.34, बी इक्वल्स टू क्या होगा? बी इक्वल्स टू हमारे पास होगा 3.24 एंड सी इक्वल्स टू क्या है? 35.06। ओके, सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोसाइन्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट साइड है ना, विच इज द बी साइड, हम बी साइड के अलोंग जो है वो पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। जो बी साइड के अलोंग हमारा लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हैं। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन्स, अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बीटा, हमें ये बीटा फाइंड करना है, ठीक है। सो यहां पे हम लिख सकते हैं 2ac cos बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली टर्म इधर आ गई। सेम टाइम में cos बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या बनता है। 37.34 होल स्क्वायर, 35.06 होल स्क्वायर, 3.24 होल स्क्वायर ओवर ओवर हमारे पास आएगा 2 इनटू 37.34 एंड 35.06, ठीक हो गया। हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और देन हम इस पे कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आएगा 37.34 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हम लिख लेते हैं वन बाय वन। ये हमारे पास आएगा 139.42756। चलिए पूरा लिख लेते हैं, 35.06 इसका स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 1229.2036 माइनस 3.24 इसका स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 10.4976 ओवर मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 37.34 मल्टीप्लाइड बाय 35.06 26.18.2808। ओके, इनको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, हमारे पास बन जाएगा 1394.275056 प्लस 1229.2036 माइनस 10.4976। ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2618.2808 से, ठीक है। यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा और ये हो जाएगा बीटा कॉस इनवर्स 0.,  यहां से हम कॉस इनवर्स ले लेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री एंड 38.45 है तो हम इसको 39 लिख सकते हैं। बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 डिग्री एंड 39 मिनट। तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है। वन बाय वन हमें फाइंड करना पड़ना था कि हम पहले ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू बी सी और इस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे छोटी साइड है, ठीक है, उसका एंगल फाइंड करके देखते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है उसका एंगल फाइंड करके देख सकते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो देखिए ये एक छोटी साइड है,
एंगल छोटा एंगल कहाँ पे होगा, हमेशा यहाँ पे एंगल बन रहा होगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा लॉजिक यूज किया और हमने क्या किया, हमने क्विकली उसका आंसर फाइंड कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप, आपके पास तीनों साइड्स की बने और आपने एंगल फाइंड करने हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है तो आप ग्रेटेस्ट साइड को यूज करके लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हो। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया था, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर x² + x + 1, 2x + 1 एंड x² - 1। Prove that the greatest angle of the triangle is 120. हमने बताना है कि जो सबसे greatest angle है वो क्या है, वो 120 है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से find करते हैं values। हमारे पास sides given है तो sides लिख लेते हैं। Let's suppose we have a equals to x square plus x plus 1। We have b equals to, हमारे पास b क्या है, b हमारे पास होगा 2x + 1 और 2x + 1 and c equals to x² - 1। ठीक हो गया, यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू हम अल्फा फाइंड करने के लिए रख लेते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से हम क्या करते हैं, हम हाफ एंगल ऑफ कोसाइन अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए s, s अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यह आएगा x² + x + 1 + 2x + 1 + x² - 1 / 2। तो यहां से हमारे पास s की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखिए x square and x square, ये हो जाएगा 2x² x 2x plus यहाँ पे हो जाएगा 3x, 1 and 1 and 1 से 1 cancel, तो ये आ जाएगा +1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया the s। अब हमने क्या find करना है, s minus a, s minus b की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम आगे जा नहीं रहे, हम सिर्फ अल्फा फाइंड कर रहे हैं। तो हमने s माइनस a फाइंड करना है। s माइनस a हमारे पास क्या होगा, s इज 2x + 2x² + 3x + 1/2 - a इज x² + x + 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 2x² + 3x + 1 - 2x² - 2x - 2। ठीक हो गया, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आएगा x - 1/2, ये आ गया हमारे पास s माइनस a। हमने s माइनस a फाइंड कर लिया, अब हम हाफ एंगल ऑफ cos अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा cos α/2 इक्वल टू s इंटू s माइनस a ओवर bc। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट करते हैं, s इज 2x + 1 / 2x - 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे BC से। So we have BC 2x + 1 / x² - 1 / √। मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए ये हो जाएगा 4। So यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x³ + 3x² + x। अब माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x² - 3x - 1। ठीक हो गया, ओवर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x - 1। ठीक है, और होल ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2x³ हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2x³। ठीक है, 2x³ - 3x² - 2x², तो ये हो जाएगा +x²2। ठीक हो गया, x² हो गया, उसके बाद x - 3x हो गया, तो यहां पे आंसर आएगा -2x + 1/4। यहां पे क्या आएगा, ये भी हमारे पास आ गया 2x³ + x² - 2x - 1 / √। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास है cos α/2
देखिए इसको हम जरा सिंपल लिख लेते हैं, 2x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ओवर 4, ये टर्म किस तरह से आएगी, ये टर्म आ जाएगी लाइक यहां पे 1 ओवर 4। अब यहां पे आप देख सकते हो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक हो गया। ये टर्म जब कैंसिल होगी तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया, कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। और कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, कॉस होता है 60 डिग्री पे 1/2, सो अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई होगा, सो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 120 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यहां पे हम दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास ऑब्टेन हुआ है विच इज अल्फा, वो क्या है, वो 120 डिग्री है। देखिए ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया। एंड जब हम कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो वी नो के कॉस जो है 60 डिग्री पे, इसका आंसर 1/2 आता है, तो यहां से 60 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 के अंदर हमारे पास गिवन है, थ्री साइड्स हमें गिवन है, द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है ट्रायंगल शेप का, तो उसके जो मेजर साइड्स हैं वो क्या है, 413 और 375 मीटर एंड द गिवन दैट, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल्स, ठीक है। सेम टाइम में ऐसा है कि एक प्लॉट है, ठीक है, ट्रायंगल शेप का प्लॉट है और इसकी साइड्स क्या, लेंथ हमें गिवन है और हमने इसके एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक होगा। तो सिंपली इट मींस कि हमें साइड गिवन है और हमने एंगल फाइंड करने हैं। ओके, सो ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारे लिए, हमारे पास ए इक्वल्स टू है 413, डी इक्वल्स टू है 214, तो ये आ जाएगा 413, बी इक्वल्स टू 214, 214 एंड सी इक्वल्स टू 375। थ्री साइड्स गिवन है, एंगल फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले चाहिए एस, 413 जमा 214 जमा डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमने इनको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 501। एस माइनस ए फाइंड कर लेते हैं, एस माइनस बी हम देख लेते हैं और एस माइनस सी हम देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, पहला हमारे पास आएगा 88, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। ओके, यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 287 और ये हमारे पास आएगा 126, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने यहां से फाइंड करना है अल्फा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं अल्फा 2 कॉस इनवर्स s माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए, तो s यहां पे लिख लेते हैं और ये होगा बी सी, ठीक हो गया। सो ये होगा 501 मल्टीप्लाइड बाय 88 ओवर बी सी, सो 214 मल्टीप्लाइड बाय 375 पावर 1/2, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, 501 मल्टीप्लाइड बाय 44088 डिवाइडेड बाय द आंसर, और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स 0.7412। इसका कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
अल्फा हमारे पास क्या आ गया 84 डिग्री एंड 20 मिनट्स, ठीक हो गया। ओके 19 मिनट्स है तो हम इसको 20 भी लिख सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है बीटा। सो बीटा के लिए हमारे पास क्या बनेगा, बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स एस इंटू एस माइनस बी ए सी, ठीक हो गया। ओके सो यहां से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 एस 501 मल्टीप्लाइड बाय 287 ओवर 413 मल्टीप्लाइड बाय 375। ओके इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने 501 को मल्टीप्लाई किया 287 के साथ, ओके 143787 ठीक है, डिवाइड बाय आंसर हो जाएगा, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट और देन हम इसका अप्लाई करेंगे कॉस इनवर्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास बीटा क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है 31 डिग्री एंड 2 मिनट्स, 31 डिग्री एंड 2 मिनट हमारे पास बीटा का आंसर आ जाता है। सेम टाइम में हम गैमा भी फाइंड कर लेते हैं, 2 कॉस इनवर्स एस इंटू एस माइनस सी ओवर, ठीक हो गया, ए माइनस बी ए बी। तो यहां पे आ जाता है 2 501 मल्टीप्लाइड बाय 126 413 मल्टीप्लाइड बाय 214, ठीक हो गया, पावर 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं 501 मल्टीप्लाइड बाय 126, तो ये होता है 63,126 ओवर 413 मल्टीप्लाइड बाय 214, और यहां पे हमारे पास क्या है 2 कॉस इनवर्स, ठीक है 63126 डिवाइडेड बाय आंसर हो जाएगा, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट और इसका फिर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कॉस इनवर्स और फिर हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, गैमा इज 64 डिग्री एंड 3 मिनट, ठीक हो गया 64 डिग्री एंड 3 मिनट हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाता है 37 मिनट, सॉरी माई मिस्टेक 37, ठीक हो गया। यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए अल्फा बीटा और गैमा तीनों हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा, ये ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट इज ऑब्टेन्ड। जी बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखिए 3 विलेजेस ए बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट रोड्स, ठीक है स्ट्रेट रोड्स के साथ कनेक्ट है 6 किलोमीटर का 9 किलोमीटर का एंड 13 किलोमीटर का, व्हाट एंगल्स दीज रोड मेक विद ईच अदर, ठीक है तीन गांव हैं और उनके उनके बिटवीन स्ट्रेट रोड्स हैं, ठीक है तो एक एक तरह का ट्रायंगल शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है तो ये ए बी एंड सी, तो इनके बिटवीन जो रोड्स हैं, ठीक है हमने बताना है कि इन रोड्स का एंगल क्या है। ओके तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 6, बी इक्वल्स टू 9 एंड सी इक्वल्स टू 13, राइट ऐसे ही है। ओके ए बी एंड सी 6 9 एंड 13, हम सबसे पहले क्या करेंगे इनका एस फाइंड करेंगे और एस के बाद हम एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी फाइंड करेंगे। तो ये एस के लिए हम क्या करेंगे 6 प्लस 9 प्लस 13 ओवर 2, ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा और ये हो जाएगा 14, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सो 14 माइनस 6 इज 8, 14 माइनस 9 इज 5 एंड 14 माइनस 13 इज 1। सो यहां से हम क्या करेंगे अल्फा 2 कॉस इनवर्स एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी,
सो 2 cos इनवर्स ऐसा हमारे पास है 14 इंटू 8 और हमारे पास BC है 9 मल्टीप्लाइड बाय 13. सो 14 इंटू 8 क्या होगा, 2, 3 ये हो जाएगा 112 ओवर 13. 9 टाइम क्या होता है 117. ओके, इनको डिवाइड करेंगे और कॉस इनवर्स अप्लाई करते हैं. सो वी हैव कैलकुलेटर 112 ओके मल्टी डिवाइडेड बाय 117 और यहां से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी अप्लाई करेंगे. यहां पे हम स्क्वायर रूट भूल गए, 1/2 लिख लेते हैं. इनका हमने स्क्वायर रूट लिया और यहां से हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. तो हमारे पास अल्फा क्या आ रहा है, 23 डिग्री एंड 51 मिनट. ठीक है, 23 डिग्री एंड 51 मिनट हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बीटा. तो बीटा के लिए हमारे पास क्या है, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी होल स्क्वायर रूट, यहां पे आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स. ओके, तो यहां पे आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर ए सी 6 मल्टीप्लाइड बाय 13. ठीक हो गया. सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स 70 ओवर 78. ओके, सो 70 डिवाइड बाय 78 हमारे पास क्या आएगा, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कॉस इनवर्स और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2 के साथ और यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री 21 मिनट. ठीक है, यहां से हमारे पास बीटा फाइंड हो गया. अब हम क्या करते हैं, गैमा फाइंड करते हैं. ओके, सो गैमा के लिए देखिए हमारे पास गैमा का जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 कॉस इनवर्स, अब यहां पे आएगा s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी होल स्क्वायर रूट. सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 9. तो ये 14 बाय 54 1/2. ओके, सो 14 डिवाइडेड बाय 54, ठीक है, होल स्क्वायर रूट और कॉस इनवर्स 59 और यहां पे हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 118 डिग्री. सो गैमा क्या आएगा, 118 डिग्री एंड 46 मिनट्स. 46 मिनट मींस 46 मिनट हो गया. ठीक है, राइट. ओके, सो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा और गैमा. लाइक हम हमारे पास जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स बिटवीन द रोड्स हमारे पास फाइंड हो चुके हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्फा बीटा एंड द गैमा. जी बच्चों, आज की एक्सरसाइज यहां पे खत्म होती है और आज की क्लास भी हम यहां पे कंक्लूड करेंगे. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. फर्दर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज तो आप ऐप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह.